तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा है काफ़ी बार, हमें ये फॉर्मूला तो पता ही होगा आप में से ज़्यादातर को कि ए प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी। ये तो फार्मूला आप सबको पता ही होगा, पर अगर आपसे जैसे पूछा जाए कि ये फार्मूला आया कैसे है, इसकी बेसिक सिग्निफिकेंस मतलब कि ये इन एग्जिस्टेंस आया कैसे है, अगर हम इसे लिखेंगे तो अगर हम कई स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, हमारे कुछ फेलो लर्नर्स ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी कर देंगे, सिंपल ए प्लस बी ए प्लस बी। तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो सबसे पहले हम करेंगे ए को मल्टीप्लाई विद ए प्लस बी, देन विल डू दिस। तो इसे हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वेयर। तो इसे हम सिंपली लिख देंगे टू ए स्क्वेयर प्लस, सॉरी, तो इसको हम लिख देंगे इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी। पर इस लेक्चर में हम सीखेंगे क्या कि जैसे अगर अगर हमें इसी की जगह ए प्लस बी की पावर 5 या फिर ए प्लस बी की पावर 6 अगर कुछ ऐसा पूछ लिया जाए, या फिर अगर हमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की पावर 10 ही पूछ ली जाए, तो उसको अगर हमने एक्सपेंड करना है तो हम कैसे करेंगे, या फिर अगर हमें उसमें किसी टर्म का कॉफिशेंट बताना है तो हम वो कैसे बताएंगे, तो इस वीडियो में हम वो देखेंगे। जैसे अगर आपके पास इस क्वेश्चन में मैं पूछ लेता ए बी का कॉफिशेंट क्या है, इस क्वेश्चन में आपका ए बी का कॉफिशेंट होता 2, तो वैसे ही इस केसेस में भी, इस क्वेश्चंस में भी काफ़ी केसेस बनेंगे और उनमें से काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। उनमें अगर आपको पूछा जाए कि इनका कॉफिशेंट क्या होगा, तो वो देखने के लिए आप देखते रहिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो जैसे अगर हम बेसिक एग्जाम्पल ही देखें इसके बाद ए प्लस बी क्यूब का, तो कुछ फ्रेंड्स होंगे हमारे जो सिंपली आंसर बता देंगे, लेकिन कुछ को वही चीज़ करनी पड़ेगी, ए प्लस बी को ओपन कर लिया और ए प्लस बी स्क्वेयर को, और बाद में अपने मल्टीप्लाई करके पूरा आंसर बता दिया। देखिए ये ऑप्शन जो है आपके पास, ये लास्ट ऑप्शन तो है ही है आप हमेशा के लिए, कि अगर कुछ नहीं बन पा रहा तो ये करके तो बता ही दोगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी बेसिक टेक्निक बताएंगे जिससे ये जो फॉर्मूला है ये बना है, तो अगर आप ये जान लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह का उसको आप आराम से टैकल कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है ए प्लस बी टू द पावर 5 का, अगर हम इसका एक्सपेंशन देखेंगे तो ये होता है हमारा सिंपल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, हम देख सकते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसमें होता क्या है कि जैसे आप देख सकते हैं आपके पास टोटल पावर्स हैं 4 5, तो आपके पास टोटल पावर्स हैं 5, आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी में, दैट पावर हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी। तो इस केस में अगर हम करेंगे क्या, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सिंपली होता क्या है, एक बोलने की टेक्निक ही है, एक बोलने का ढंग है। अगर आप जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे हो अगर आप पूरा उसे बोल के देखोगे तो आपकी एक्सपेंशन या आपको पी एंड सी आराम से आ जाएगी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर जो जो भी इस क्वेश्चन में हमारा जहाँ पे भी हम बोलेंगे एंड, तो उसके लिए हम कर देंगे और के लिए हम कर देंगे प्लस साइन यूज़ करेंगे और एंड के लिए हम मल्टीप्लिकेशन साइन यूज़ करेंगे। तो इस केस में हम कैसे करेंगे, अगर हमने ए प्लस बी टू द पावर 5 के बारे में लिखना है, ए प्लस बी अगर आपको ऊपर से नहीं दिख रहा, टेलीग्राम हमारा लोगो आ गया है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, हमारे पास 5 पावर हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है इट अमंग ए एंड बी। तो हम करेंगे 5 पावर्स को, सबसे पहले हम 5ों पावर्स ए को दे देते हैं, हमने पहले केस बनाई 5 पावर्स ए को दे दी, 5 में से 4 पावर्स ए को दे दी, 1 पावर दे दी बी को और 3 पावर्स दे दी ए को और 2 पावर्स दे दी हमने बी को, 2 पावर्स दे दी हमने ए को, 3 पावर्स दे दी हमने बी को। ये मैं आपको पूरी एक्सपेंशन ही बना के दिखा रहा हूँ। तो 3 पावर्स बी को दे दी और इसके बाद 1 पावर ए को दी और 4 पावर हमने बी को दे दी, 0 पावर टू ए एंड होल 5 पावर्स टू बी। तो ये हमारे अलग अलग केसेस हैं। तो या तो क्या होगा, या और, या अगर मैं बोल रहा हूँ या उसका मतलब है और, उसका मतलब है हम एंड यूज करेंगे, और अगर मैं बोल रहा हूँ और मतलब एंड, उसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। अगर मैं हिंदी वाला और, अब मैं हिंदी वाले ही चीज़ें यूज़ करूँगा एंड और या,
तो मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहला केस मैंने लिखा कि पांचों की पांचों पावर्स मैंने ए को दे दी और जीरो पावर्स दी बी को, तो मैं इसको लिखूँगा फाइव पावर्स में से फाइव पावर्स मैंने सिलेक्ट की और ए को मैंने पांचों पावर्स दे दी ए टू द पावर फाइव, और बी को मैंने कोई पावर नहीं दी। और सेकंड केस में अगर मैं बनाऊँगा पाँच में से चार पावर्स मैंने दे दी ए को, और जो एक पावर थी और जो एक में से एक पावर बच रही थी वो मैंने दे दी बी को। और बोल रहा हूँ इसलिए मैं मल्टीप्लिकेशन लगा रहा हूँ बीच में, मल्टीप्लिकेशन का डॉट लगा रहा हूँ साथ में। और थर्ड केस में मैं लिखूँगा पाँच में से तीन पावर्स मैंने ए को दे दी, ए की पावर थ्री हो गई, और बाकी जो बची दो पावर्स उनमें से दोनों की दोनों पावर्स मैंने दे दी बी को। या ये केसेस बन रहे हैं कि या तो या ये होगा कि पांचों की पांचों पावर्स ए के पास चली गई, या क्या होगा पांचों में से चार पावर्स ए के पास चली गई और एक पावर जो है जो बची हुई पावर है वो हमने बी को दे दी, या फिर पांच में से तीन पावर्स हमने ए को दे दी, दो पावर्स जो दो में से दो बची हैं टू में से टू को सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन के लिए हम सी यूज़ करते हैं, एन सी आर दैट इज़ यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टोटल एन ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारे, उनमें से अगर हमने आर को सिलेक्ट करना है तो हम ये यूज़ करेंगे। और इसके बाद हमने इस केस के लिए पाँच में से दो को सिलेक्ट किया पावर्स को, ए को दो पावर्स दे दी और तीन पावर्स में से तीन पावर सिलेक्ट की और बी को दे दी, और या फिर या हमने पाँच में से चार पावर्स एक पावर सिलेक्ट की ए को दे दी और बाकी जो हमारी बची चार में से चार पावर्स थी उनमें से चूज़ की, चार में से चार को चूज़ करेंगे फोर सी फोर वन ही होता है वो, तो फोर में से फोर्थ को सिलेक्ट किया और बी को पावर्स दे दी, या फिर हमने पाँच में से ज़ीरो पावर्स को सिलेक्ट किया ए को दे दी ए की पावर ज़ीरो इंटू पाँच में से पाँच को चूज़ किया और हमने वो दे दी पावर्स पाँचों की पाँचों बी को। तो ये हमारी पूरी एक्सपेंशन अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम इसे लिखेंगे कुछ ऐसे कि हमारी ए प्लस बी की होल पावर फाइव को अगर हम पूरा ओपन करेंगे तो हम इसे एज ओपन करेंगे फाइव सी फाइव ए की पावर फाइव बी पावर ज़ीरो को हम लिखेंगे नहीं, बी पावर ज़ीरो इट विल बिकम वन, तो फाइव सी फोर प्लस प्लस हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया या तो ये केस होगा। अगर हिंदी वाला या है तो मतलब केसेस के बीच में आएगा प्लस साइन, और अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ पाँच में से पाँच पावर्स ए को दे दी और बी को ज़ीरो पावर्स दी, और का मतलब मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया है और ये बी की पावर ज़ीरो मान ही आता है, तो मैं यहाँ पे बी को नहीं लिख रहा। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ या के लिए मैंने प्लस लिख दिया, पाँच में से चार पावर्स को सिलेक्ट किया, ये सेकेंड केस में एज इट इज़ लिख देता हूँ ए की पावर फोर। इसके बाद वन सी वन, अगर हमारा एन सी आर में एन इक्वल टू आर हो जाता है तो एन सी आर की जो वैल्यू होती है हमारी वन आ जाती है, तो मैं यहाँ पे वन इंटू वन नहीं लिख रहा इंटू बी प्लस, या तो ये केस होगा। अब मैं इसके बाद वाला केस क्या होगा, फाइव सी थ्री ए की पावर थ्री, बाद में टू सी टू को वन लिख दूंगा बी स्क्वेयर प्लस फाइव सी टू ए स्क्वेयर बी क्यूब, या तो ये केस होगा या क्या कौन सा केस होगा फाइव सी वन वाला ए की पावर वन और बी की पावर फोर, या फिर फाइव सी फाइव बी की पावर फाइव। देखिए इन केस में अगर आप ये भी कर लेंगे ए की, अगर आप मैंने यहाँ पे ए से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की है, अगर आप उल्टी भी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर लेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर जो हमारा 5c4 है दैट इज़ इक्वल टू 5c1, तो ये जो दोनों चीज़ें होती हैं ये इक्वल होती हैं, क्योंकि अगर आप देखना चाहेंगे, अगर मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लिख के दिखा दूँ कि एन सी आर इज़ इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं, तो आप फार्मूला को ऐसे एक्सपेंड कर सकते हो। अब अगर मैं आपको नेक्स्ट में इसी के आगे के क्वेश्चन पूछूँ, इसके आगे जैसे ए प्लस, अब हम जैसे हमने अब कॉन्सेप्ट सीख ही लिया है तो बेसिकली अब हमारे ये क्वेश्चन अगर आ गया तो इस क्वेश्चन में कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कहाँ तक भी किसी भी चीज़ का कोएफिशिएंट निकाल सकते हो। अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी पावर टेन का मैंने आपको पूछ लिया और मैंने आपको पूछ लिया कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वेयर बी की पावर थ्री सी की पावर टू और डी की पावर थ्री, तो इसका कोएफिशिएंट अगर आपने बताना है तो आप कैसे करोगे। इस केस में अगर आप देख ही सकते हो कि 10 पावर्स में से दो पावर्स तो मैंने दे दी ए को, ये टिपिकली आपको एक केस ही पूछ रहे हैं कि
कि इस केस में इसका कॉफिशेंट कितना होगा, तो आप उस टिपिकल केस का ही बना सकते हो कि 10 में से दो पावर्स चूज करी मैंने ए को दे दी इनटू, और 10 में से दो पावर्स चूज करी ए को दे दी और बाकी बची आठ, आठ में से मैंने चूज करी तीन पावर्स मैंने दे दी बी को, और के लिए मल्टीप्लिकेशन का साइन, डॉट का साइन इसमें मैं यूज कर रहा हूँ। बाकी हमारी पावर्स बची हैं पांच, पांच पावर्स में से मैंने दो पावर चूज करी और दे दी सी को, और बाकी बची तीन पावर्स में से तीन पावर्स मैंने दे दी डी को। तो ये जो हमारा होगा कॉफिशेंट होगा हमारा ए स्क्वेयर बी क्यूब सी स्क्वेयर डी क्यूब का। अगर मैं एक्सपेंड करके बता दूं आपको, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। तो ये होगा हमारा ए स्क्वेयर बी क्यूब सी स्क्वेयर डी क्यूब का कॉफिशेंट। तो इस केस में 0 फैक्टोरियल हमारा होता है 1, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल होता है हमारा 1, यहाँ पर 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल, तो हमारे यहाँ पे बचा है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसको अगर हम लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8, कुछ यहाँ तक ही खोल लेते हैं, मुझे लगता है वहाँ पे सही हमारा हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल को खोल रहे हैं, इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल को दोबारा 3 इंटू 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 3 कैंसिल विद 9, 2 2 2 कैंसिल विद 8, तो यहाँ पे हमें 7 फैक्टोरियल तक ले आते हैं, हमारा 8 ये कैंसिल हो गया, एक 2 बचा था, यहाँ पे 5, तो दिस कम्स आउट टू बी 5 इंटू 7 फैक्टोरियल इज ए स्क्वेयर बी क्यूब सी स्क्वेयर डी क्यूब की जो टर्म होगी इस एक्सप्रेशन में, तो वो हम सिंपली लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक ट्विस्ट डाल दूं, इसके लिए मैं एक पहले पेज ऐड कर लेता हूं, ऐड टू नेक्स्ट पेज, जस्ट वन सेकेंड। इसको अगर मैं कर रहा हूं ऐड टू न्यू पेज, इस पेज पे अब मैं इस अपनी स्लाइड को ऐड कर लेता हूँ, ऐड टू मेक, इस पेज पे वो स्लाइड ऐड नहीं हो रही, तो चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो क्वेश्चन था उसको अगर हम थोड़ा सा और ट्विस्ट कर देते हैं, अगर हम कर देते हैं ए, अगर हम उसे कर देते हैं कुछ ऐसा कि हमारा यह है क्वेश्चन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई टू द पावर 100। मैं इसमें आपसे पूछ रहा हूँ, तो इसमें एक चीज़ और ये इम्पॉर्टेंट है, अगर आप कह दें कि इसकी मैं आपको बताऊँ, ए 21 बी 32 21 और सी 4 डी 50 और ई 20, अगर आप कहें कि मैं आपको इसकी जो कॉफिशेंट है अगर वो कॉफिशेंट बताऊँगा, तो इसमें अगर आप देख ही सकते हो ये जो है टोटल इनका पावर्स का ये 100 से एक्सीड कर रहा है। तो मैं 100, अगर मैंने 100 ही पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी है इन पांचों में, तो मैं 100 से ज़्यादा तो कर ही नहीं सकता, तो इस टर्म, ये जो टर्म हो गई, ये टर्म उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इसका कॉफिशेंट होगा 0। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे हॉट्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 21 प्लस 32 प्लस 50 यही चीज़ जो है ये हमारी 100 को एक्सीड कर चुकी है। अगर हमारे पास 100 पावर से ज़्यादा है ही नहीं तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते। बाकी मैं आपके लिए एक क्वेश्चन रखता हूँ कि अगर मान लीजिए ये है ए प्लस बी प्लस सी टू द पावर 19, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इनके कॉफिशेंट्स, जो मैं अभी आपके लिए लिखूँगा, बी की पावर, ए की पावर 9, बी की पावर 7, सी की पावर 3, एंड इसका कॉफिशेंट बता दीजिए आप। और एक और पूछ लेता हूँ कि इस टर्म का कॉफिशियंट भी बता देना, ए की पावर 5, बी की पावर 6, और जो हमारा सी है दैट पावर इज 9। तो इन दोनों का आप कोशिश करना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया गया है कि हम कैसे ढूंढ सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया गया है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से सिंपल आप यूज़ कर सकते हैं केसेस बना करके, और सिंपली बोलने के ढंग से
जैसे और को, हिंदी के और को अगर केसेस बन रहे हैं, पहला केस बन सकता है या, फिर या के लिए हम प्लस यूज़ कर लेंगे, और जो एक केस है उसमें अगर आप करेंगे कि एक को 5 पावर्स दे दी और बी को 0 पावर दी है, और के लिए हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे, अगर आप बोलने की कोशिश करेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। इसके बाद हम, जैसे मैंने आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर 10 का एक कॉफिशेंट, इस टर्म का कॉफिशेंट बता दिया, वैसे ही मैं आपसे चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में हमें जो ये वाले जो ये क्वेश्चन है, अगर ए प्लस बी प्लस सी की पावर 19, इन दोनों क्वेश्चंस का कॉफिशेंट आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हम आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, और ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए।